हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरके मास्टर वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके यूज से आप एक साथ ढेर सारे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, मेनी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि देखिए, मैंने ओपन किया, सी में गया, जहाँ मैंने एक फोल्डर आर ए बनाया, उसमें क्लिक किया। जैसे कि हम इसमें कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू में जाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं इसमें ए दिया, फिर न्यू में जाते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं, फिर तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम फोल्डर बना रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लग रहा है। पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके यूज से आप एक साथ ढेर सारे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, चल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया है कंप्यूटर में, सी में, आर ए फोल्डर में क्लिक करता हूँ। पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको स्टार्ट में जाना होगा, यहाँ पर रन टाइप करना होगा और इंटर, यहाँ सी एम डी टाइप करना होगा। यहाँ मेरे पहले से दिया गया है इसलिए मैं इसमें ओके करूंगा, ये आ चुका है। आपको यहाँ पर सी डी डॉट डॉट इंटर, सी डी डॉट डॉट इंटर, और आपको इस फोल्डर में जाना है जो कि रा है, आर ए, उसमें सी डी आर ए में इंटर करना हो। देखिए हम इस फोल्डर में आ चुके हैं, देखिए डी आई आर, कोई फोल्डर नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सी एम डी, एम डी इसका मतलब होता है मैं एक डायरेक्टरी। हम लिखिए ए स्पेस दीजिए, बी स्पेस दीजिए, सी स्पेस ई, कोई भी नाम, एनी नेम। तो एनी नेम का भी फोल्डर बन चुका होगा। तो आप देखिए हम जैसे ही एंटर करेंगे और ये फोल्डर बन चुके हैं, ए एनी नेम, यानी एनी बी सी ई। इस प्रकार से एक टाइमिंग में बहुत सारे फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, जहां हम इतना टाइम लगा रहे थे इसे क्रिएट करने के लिए। बस आपको यहाँ पर जाना है और टाइप करना है और इंटर करना है। आप इसे फिर से देख सकते हैं, हम इसमें टाइप करेंगे एम डी और कोई फोल्डर का नाम, जैसे कि एक स्पेस दो स्पेस तीन स्पेस चार और इंटर। तो देखिए एक दो तीन चार, इस प्रकार से फोल्डर बन चुके हैं। इस प्रकार आप जितने चाहे उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। यदि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयरिंग करें। धन्यवाद।